वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। उत्तर प्रदेश पुलिस आने वाले त्योहारों को लेकर काफी चिंतित है और इसी को लेकर काफी तैयारियां अब तक यूपी पुलिस की तरफ से की जा चुकी हैं। कल ही एक खबर सामने आई थी कि गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट ने नोएडा में और गौतम बुद्ध नगर जिले में 144 धारा को अगले 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कोविड-19 को देखते हुए और आने वाले त्योहारों को देखते हुए बढ़ा दी गई है। अब खबर ये सामने आ रही है कि गाजियाबाद नगर निगम ने भी खास तैयारियां कर ली हैं और ये खास तैयारियां आने वाले सावन में कावड़ यात्रा के लिए की गई है। कहा जा रहा है कि यात्रा मार्ग पर मीट की दुकानों को भी बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। कावड़ यात्रा को देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर आयुक्त ने कहा कि कावड़ यात्रा मार्ग पर चल रही सभी मीट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सड़कों की साफ सफाई के लिए एक हफ्ते से अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं कांवड़ियों को अंधेरे से परेशानी ना हो इसलिए यात्रा मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी, यानी जो लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो भी यहां पर लगाई जाएगी, किसी भी तरीके की परेशानी कांवड़ियों को ना हो। ये भी कहा गया है कि ये कांवड़ यात्रा करीब 2 साल बाद की जा रही है, इसलिए इसमें किसी भी तरीके की चूक ना हो और किसी भी तरह की कोई परेशानी कांवड़ियों को ना हो। इसी तरीके से पूरी तरीके से यहां पर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। वहीं कांवड़ यात्रा के जो रास्ते हैं उन्हीं के साथ साथ जिले के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके बाहरों की साफ सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। मंदिर तक जाने वाले रास्ते को भी साफ किया जा रहा है। ये सब प्रशासन की तरफ से बातें की गई हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन के अलावा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इन सब बातों का निर्देश देखते हैं और वो खुद ही देखते हैं कि किसी तरीके की कोई परेशानी कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को न झेलनी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज।